आसमान से फिर बरसेगी मौत, हवा में फिर नजर आएंगे उड़ते हुए बम। किसी भी देश का कोई भी शहर बन सकता है निशाना, किसी भी इमारत में घुस जाएंगे उड़ते हुए बम हजारों मासूमों की जान ले लेंगे। जी हां, 9/11 की 13वीं बरसी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, आतंक की सबसे बड़ी साजिश ने दुनिया की नींद उड़ा दी है। साजिश 9/11 जैसे हमले की ही है और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। अमेरिकी खुफिया अफसरों की पुख्ता सूचना के आधार पर 9/11 जैसे हमले की आशंका जताई जा रही है। 13 साल पहले अमेरिका में हुए 9/11 हमले में वर्ल्ड ट्रेड टावर में घुसे दो विमानों ने हजारों लोगों की जान ले ली थी, लेकिन इस बार खतरा सिर्फ दो विमानों का नहीं है। आतंकियों के कब्जे में है 11 विमान। 11 विमानों से हो सकता है 9/11 जैसा हमला। सोचिए क्या होगा जब आतंकी आसमान में उड़ते हुए 11 विमानों को तबाही के बॉम्ब में बदल देंगे। वो 11 विमान जो कहां हैं किसी को नहीं पता, लेकिन 11 लापता विमानों ने उड़ा दी है दुनिया की नींद। आतंक का हथियार बन सकते हैं 11 लापता विमान। दुनिया भर के सुरक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इन विमानों को रोकना आसान नहीं होगा, क्योंकि आतंकियों के कब्जे में मौजूद ये सभी नागरिक विमान हैं जिन्हें आतंकी मिसाइल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इन विमानों को किसी ऊंची इमारत से टकरा सकते हैं, किसी अहम ठिकाने पर सीधे विमान को क्रैश कराया जा सकता है। ऐसा हुआ तो तबाही तय है। नमस्कार, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका पर 13 साल पहले हुए आतंकी हमले की बरसी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे 9/11 जैसा हमला होने की आशंका फिर से एक बार बढ़ गई है। इस डर की सबसे बड़ी वजह है लीबिया से गायब हुए 11 विमान। माना यह जा रहा है कि गृह युद्ध में उलझे लीबिया से लापता हुए विमानों को वहां सक्रिय किसी आतंकी संगठन ने हथिया लिया है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि 11 सितंबर के दिन इन विमानों का इस्तेमाल 9/11 जैसी किसी बड़े हमले के लिए किया जा सकता है, लिहाजा अमेरिका और ब्रिटेन हाई अलर्ट पर हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम इसी खतरे पर बात करेंगे। सावधान, आ रहा है 9/11। जैसे जैसे 9/11 की बरसी नजदीक आ रही है, एक बार फिर वैसे ही हमले की आशंका से दुनिया दहलने लगी। एक बार फिर आतंकियों ने वैसा ही हमला करने की ताकत जुटा ली। आतंकी साजिश पर करीब से नजर रख रहे अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने आशंका जताई है कि 9/11 की बरसी पर हो सकता है बड़ा हमला। आतंकी दोहरा सकते हैं 9/11 जैसी साजिश। 11 सितम्बर को 9/11 हमले की 13वीं बरसी। अमेरिकी अफसरों की आशंका के पीछे पुख्ता खुफिया जानकारी। 9/11 हमले की साजिश को अंजाम तक पहुंचाया था अलकायदा के उन आतंकियों ने जिन्होंने अमेरिकी एयरलाइंस के विमानों को हाईजैक कर लिया था, लेकिन इस बार सबसे बड़े हमले की साजिश रच रहे आतंकियों को विमान हाईजैक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले से ही आतंकियों के कब्जे में है 11 विमान। 11 लापता विमानों ने उड़ा दी है दुनिया की नींद। गौर से देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर में दिख रहा विमान उन 11 विमानों में से एक हो सकता है जिसे आतंकी हथिया चुके हैं। इस तस्वीर में आतंकी लीबियन एयरलाइंस के विमान पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर पिछले महीने की, जब आतंकवादियों ने खूनी जंग के बाद गृह युद्ध में फंसे लीबिया के त्रिपोली एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया था। लीबिया की राजधानी त्रिपोली के एयरपोर्ट में हुए बड़े हमले में लीबिया एयरलाइंस और अफ्रीकी एयरवेज के बहुत सारे विमान क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन यही माना जा रहा है कि कम से कम 11 ऐसे विमान हैं जो सही हालत में हैं और इस वक्त आतंकियों के कब्जे में हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन विमानों का इस्तेमाल 9/11 जैसे किसी बड़े हमले को अंजाम देने के लिए किया जा सकता है। अमेरिकी मीडिया में आए गुमनाम अमेरिकी अधिकारी के बयान में कहा गया कि लीबिया में कई नागरिक विमान लापता है। 11 सितंबर को हम जान चुके हैं कि हाईजैक विमानों से क्या किया जा सकता है।
अमेरिका पर 11 सितंबर का हमला अलकायदा ने किया था और खतरनाक बात यह है कि त्रिपोली एयरपोर्ट पर कब्जा करने वाले गुट लीबियन डॉन के अलकायदा से गहरे रिश्ते हैं। हालांकि लीबिया से लापता हुए 11 विमान कहां हैं, किसके कब्जे में हैं, इस बारे में भी कोई पुख्ता खबर नहीं है। दरअसल लीबियन डॉन इस्लामी लड़ाकों का संगठन है जिसके झंडे तले कई आतंकी गुट गृह युद्ध कर रहे हैं। आशंका है कि इनमें से ही किसी गुट के पास वो 11 विमान है। बीते रविवार को लीबियाई सरकार ऐलान कर चुकी है कि राजधानी त्रिपोली पर उनका कोई नियंत्रण नहीं रहा, लेकिन मोरक्को के सैन्य विशेषज्ञों ने दावा किया है कि लापता विमान मास्टमैन ब्रिगेड नाम के आतंकी संगठन के पास है। मास्टमैन ब्रिगेड अफ्रीका और पश्चिम एशिया में 9/11 जैसे हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहा। मोरक्को के सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक 11 कमर्शियल प्लेन चुराने वाले मास्टमैन ब्रिगेड के रिश्ते अलकायदा और अंसार अल शरिया के साथ हैं। हालांकि इनकी पहुंच सीधे अमेरिका तक तो नहीं है, लेकिन अलकायदा के साथ रिश्ते होने की वजह से अमेरिकी ठिकानों को वो निशाना बना सकते हैं। जानकारों का मानना है कि आतंकी लापता विमानों का इस्तेमाल दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका लापता विमानों से 9/11 जैसे हमले का है। 9/11 का आतंकी हमला एक भयानक हकीकत है। नागरिक विमान का मिसाइल जैसा इस्तेमाल हमले का सबसे खतरनाक तरीका है। नागरिक विमानों की वजह से ATC के रडार गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, आतंकी के इरादे समझने में गलती कर सकते हैं। इसका फायदा उठाकर किसी भी बड़ी इमारत या ठिकाने पर विमान को टकराया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे 9/11 के हमले में किया गया। दूसरा तरीका लापता विमान से कमांडो रेड का है। जानकारों का कहना है कि नागरिक विमान होने के नाते इसके जरिए हथियारबंद आतंकियों को किसी एयरपोर्ट पर या किसी और जगह उतारा जा सकता है। इसके बाद विमान से आए हथियारबंद आतंकी मुंबई पर हुए 26/11 जैसे हमले के अंदाज में कमांडो हमला कर सकते हैं। हालांकि अमेरिकी अफसरों ने 11 विमानों के लापता होने पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं जारी किया है, लेकिन खबरों के मुताबिक अमेरिका उन विमानों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 9/11 की बरसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इसलिए वो कोई जोखिम भी नहीं उठाना चाहता है। 11 विमानों के लापता होने के बाद अमेरिका ही नहीं ब्रिटेन भी हाई अलर्ट पर है। लीबिया से 11 विमानों के लापता हो जाने की खबर आने के बाद अमेरिका को डर है कि आतंकी ये एक बार फिर से विमानों से 9/11 जैसे हमले कर सकते हैं। एक टीवी चैनल से बातचीत में मोरक्को के रक्षा विशेषज्ञ ने ऐसी खुफिया रिपोर्ट का जिक्र किया है जिसमें लापता विमानों के मास्टमैन ब्रिगेड के पास होने की बात कही जा रही है और इस रिपोर्ट के मुताबिक मास्टमैन ब्रिगेड के रिश्ते अलकायदा और ISIS दोनों से हैं, जबकि दोनों के बीच होड़ किसी से छुपी भी नहीं है। लिहाजा 9/11 जैसी साजिश की थ्योरी पर सवाल भी उठ रहे हैं। 11 सितंबर 2001 जब 13 साल पहले ताकतवर अमेरिका को निशाना बनाने के लिए अलकायदा ने उड़ते विमानों को ही बम बना दिया, जब 2 साल पहले लीबिया के बेनगाजी में ISIS से जुड़े आतंकी संगठन अंसार अल शरिया ने अमेरिकी दूतावास पर हमला किया, अमेरिकी राजदूत क्रिस्टोफर स्टीवन समेत 4 अमेरिकी मारे गए। एक बार फिर 11 सितंबर की वही तारीख नजदीक आ रही है। लीबिया के त्रिपोली एयरपोर्ट से 11 कमर्शियल विमान गायब हो चुके हैं। चेतावनी दी जा रही है कि फिर आने वाला है 9/11। मगर बड़ा सवाल यह है कि इस बार 9/11 की साजिश कौन रच रहा है, लापता 11 विमान किसके पास हैं? मोरक्को
दरअसल मोरक्को के सैन्य विशेषज्ञों का पूरा जासूसी नेटवर्क है लीबिया में, और इनके मुताबिक 11 कमर्शियल विमान लीबियन डॉन और अंसार अल शरिया के कब्जे में हैं। वहीं लीबियन डॉन के ताल्लुक जहां अलकायदा से बताए जाते हैं, तो अंसार अल शरिया के धागे आइसिस के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि एक बेहद ही खौफनाक और नापाक गठबंधन है। आईएसआईएस वही आतंकी संगठन है जो इराक और सीरिया पर तेजी से कब्जा जमा रहा है। अमेरिकी हवाई हमले के जवाब में जिसने दो अमेरिकी पत्रकारों का सिर कलम कर दिया। लीबिया में उससे जुड़ा अंसार अल सीरिया गुट राजधानी त्रिपोली के कुछ हिस्से पर काबिज है, जबकि बाकी हिस्से पर इस्लामी लड़ाकों के संगठन लीबियन डॉन का कब्जा है। अमेरिकी दूतावास भी उसी के कब्जे में है। लीबियन डॉन लीबिया की सरकार की भी मदद कर रहा है, लिहाजा ये सवाल भी है कि लीबियन डॉन 9/11 जैसी साजिश को क्यों अंजाम देगा। इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार 9/11 जैसी साजिश आईएसआईएस के इशारे पर रची जा रही है। इसी मकसद से त्रिपोली एयरपोर्ट पर लीबियन डॉन के कब्जे के बाद उससे अच्छे रिश्ते रखने वाले मास्ट मैन ब्रिगेड ने विमानों को हथिया लिया। मुमकिन है कि कुछ विमान अंसार अल शरिया तक भी पहुंच चुके हों, मगर सवाल ये भी है कि क्या ये आतंकी गुट 9/11 जैसी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि सैटेलाइट की निगाह से बड़े विमान छुपाना आसान नहीं है। कमर्शियल विमानों के जरिए एक बार में अमेरिका तक पहुंचना आसान नहीं है। एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाना मुश्किल है, क्योंकि अब संदिग्ध दिखने वाले विमानों को हवा में नष्ट करने की नीति पूरी दुनिया में है। सच ये भी है कि अलकायदा ने 9/11 की साजिश अंजाम देने से पहले लंबे वक्त तक हमले की तैयारी की थी। आतंकियों को पश्चिमी देशों में बाकायदा विमान उड़ाने की ट्रेनिंग भी दिलवाई गई थी। हालांकि लीबिया के मौजूदा हालात में आतंकी गुटों द्वारा लीबिया के पुराने ट्रेंड पायलटों के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका और पश्चिमी मीडिया में बेशक ऐसी खबरें छाई हुई हैं कि लीबिया जैसे लापता विमानों के जरिए आतंकी संगठन 9/11 जैसा कोई हमला दोहरा सकते हैं, लेकिन अमेरिकी प्रशासन ने इस खबर पर चुप्पी साध रखी है। हालांकि खबरों का कहना है कि अमेरिका भले ही इस मामले में खुलकर कुछ भी नहीं कह रहा हो, लेकिन वो विमानों की खोज में लगा हुआ है। दरअसल 9/11 हमला इतना भयंकर और बड़ा था कि अमेरिका कहीं भी ऐसे हमले को होते हुए नहीं देखना चाहता। दो विमान अगर तबाही का ऐसा मंजर सामने ला सकते हैं, तो जरा सोचिए कि लीबिया से लापता 11 विमान कैसी तबाही ढा सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका बेचैन है। 9/11 हमले को वो भूल नहीं सकता। ये वो हमला था जिसने इस सोच को खत्म कर दिया कि कोई भी ताकत अमेरिका की सैन्य और तकनीकी महारत को धत्ता बताकर उसकी मुख्य जमीन पर हमला नहीं कर सकती। ग्यारह सितंबर 2001, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला। उस दिन कुछ देर के लिए मानो सब कुछ थम गया। आसमान चूमती वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दो टावर धू धू कर जल रहे थे। उससे निकल रहे धुएं का गुबार तबाही का मंजर बयां कर रहे थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वो इमारत थी जिस पर अमेरिका फक्र करता था।
लेकिन पूरी इमारत महज 2 घंटों के भीतर धूल में मिल गई। नाइन इलेवन के हमले में करीब 3,000 लोग मारे गए। हालात पर काबू पाने में लगे करीब 350 दमकल कर्मचारी भी इसकी भेंट चढ़ गए। 9/11 हमले की साजिश दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अलकायदा और उसके सरगना ओसामा बिन लादेन ने रची थी। ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका की सैन्य ताकत से सीधे टकराने की बजाय एक ऐसी साजिश पर अमल करना ज्यादा जरूरी समझा जो कि ज्यादा सरल थी, और यही कारण है कि अपनी तमाम तकनीकी महारत हासिल होने के बावजूद अमेरिका 9/11 की साजिश को भांप नहीं पाया। मिसाइल की तरह इस्तेमाल हुए विमानों ने जब वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमला किया, जब उसे मटियामेट कर दिया, तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दंग रह गई। 9/11 की साजिश में ओसामा ने अमेरिकी विमानों को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करने वाला हथियार बना दिया। 11 सितंबर 2001 की सुबह अलकायदा के 19 आतंकवादियों ने 4 व्यावसायिक हवाई जहाजों का अपहरण किया। ये सभी जहाज लंबी दूरी की उड़ान पर थे जिनमें हजारों लीटर पेट्रोल भरा था। कुल मिलाकर ये जहाज किसी बम से कम नहीं थे। इनमें से 2 जहाजों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 इमारतों को अपना निशाना बनाया। तीसरा जहाज अमेरिका रक्षा मंत्रालय पेंटागन के एक हिस्से से टकराया। जबकि चौथा यात्रियों और आतंकियों की झड़प की वजह से पेंसिल्वानिया के जंगल में जा गिरा। ओसामा बिन लादेन ने 9/11 के हमले के लिए एक पूरी टीम तैयार की। अपने सदस्यों को उसने हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी ताकि हवाई जहाज का अपहरण होने के वक्त अपनी जान की कीमत वो उन मासूमों की बलि देकर वसूल कर सके। और ये भी सच है कि इस पूरे घटनाक्रम ने देश के इतिहास को भी बदल कर रख दिया। 9/11 हमले से तिलमिलाए अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अपनी सारी ताकत, सारी दौलत और सदियों में कमाई साख को दांव पर लगा दिया। ओसामा की तलाश में अफगानिस्तान पर हमला किया लेकिन वो नहीं मिला। आखिरकार 9/11 हमले के बाद 10 साल तक चली खोज पाकिस्तान के एबटाबाद में जाकर खत्म हुई। 2 मई 2001 को अमेरिकी सील कमांडो ने एक पराये मुल्क में आधी रात को कमांडो अंदाज वाले हमले में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया।